आधार में इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो बोध 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 हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, माँ धरती का बोध हो, श्री अवतार का बोध हो। लोग पूछते रहते हैं कि श्री कल्कि भगवान की राजनीतिक योजनाएं बताएं, वे विश्व को किस तरह से बदलेंगे, क्योंकि राजनीति को बिना बदले विश्व नहीं बदल सकता, युग नहीं बदल सकता। तो लीजिए, आज हम उनके राजनीतिक योजना को बताने जा रहे हैं। और राजनीतिक योजना पर एक सीरीज बनने जा रहा है। आप इसके सारे वीडियो को देखेंगे तो फिर उनकी राजनीतिक योजनाओं का पूरा ज्ञान हो जाएगा। मित्रों, श्री भगवान की राजनीतिक योजना को हम तीन हिस्से में बांट सकते हैं। एक है राष्ट्रीय योजना, दूसरा वैश्विक योजना और तीसरा व्यक्तिगत राजनीतिक योजना। व्यक्तिगत योजना, राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं वो क्या हैं, विश्व स्तरीय जो योजनाएं हैं भगवान की वो क्या हैं, और व्यक्तिगत जीवन में वे किस तरह से राजनीति में होंगे भी और नहीं भी होंगे, ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। और यह जो वीडियो है, यहाँ हम आपको व्यक्तिगत राजनीतिक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो भगवान की व्यक्तिगत राजनीतिक योजना क्या है, इसे आप जानें। व्यक्तिगत राजनीतिक योजना में पांच बातें हैं मुख्य, जो मैं पांचों ही बातें आपको बताने जा रहा हूं संक्षेप में। नंबर एक, वे किसी भी राजनीतिक दल पार्टी के सदस्य नहीं बनेंगे, यह नंबर एक उनकी घोषणा है। देखिए ना, आज सभी पार्टियों में विकार है, विकृतियां हैं, थोड़ा या ज्यादा दोष सब में आ गए हैं। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वे संकीर्णताओं से भरी हुई हैं। वे जाति, मजहब, वर्ग, पंथ, भाषा, लिंग आदि की राजनीति किया करती हैं। और श्री भगवान को ये पसंद नहीं है। वे तो सबके लिए हैं और सभी हैं उनके, इसीलिए वे वोट बैंक की राजनीति नहीं जीवन में कर सकते और ना ही इस तरह की राजनीतिक विचारधारा के साथी हो सकते। इसलिए भगवान का जो सबसे पहली है घोषणा कि वे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनेंगे। और नंबर दो घोषणा उनकी वो है कि स्वयं भी कोई पार्टी दल नहीं बनाएंगे, यह उनकी दूसरी है घोषणा कि स्वयं भी राजनीतिक दल या पार्टी नहीं बनाएंगे जीवन में। क्योंकि मित्रों, राजनीतिक दल पार्टी बनती है तो संकीर्णताओं का आना उसमें है स्वाभाविक, वहां फिर संकीर्णताएं आएंगी और फिर वे सारे दोष इनकी भी पार्टी में आने लगेंगे जो कि औरों की है पार्टियों में दोष। इसलिए भगवान अपने जीवन में कोई भी राजनीतिक दल पार्टी नहीं बनाएंगे।
लेकिन इन्हें अपने विचार को देश और दुनिया में फैलाना भी है, राजनीतिक दिशा को इन्हें है मोड़ना भी। तो क्या करेंगे? तो कुछ तो करना होगा ना। राजनीतिक दल में नहीं जाना और ना ही राजनीतिक दल है बनाना, और राजनीति को एक दिशा भी है देनी, तो रास्ता क्या बचता है? रास्ता है इनकी तीसरी जो घोषणा है, वह हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, वे चुनाव अवश्य लड़ेंगे लेकिन दल में रहकर नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में जाएंगे, सांसद बनेंगे और अपनी बातों को सारे राजनीतिक जो मंच हैं उस पर रखेंगे, लोगों से, पार्टियों से, सांसदों से अपनी जो बातें, अपनी जो विचारधारा है उनकी वे मनवाएंगे सबसे, और इसके लिए वे सांसद बनना आवश्यक समझते हैं कि राजनीतिक दलदल में भी न फंसें और राजनीति को एक सही दिशा भी दें। इसके लिए सांसद बनना भी आवश्यक है। मित्रों, भगवान की चौथी जो घोषणा है वो ये है, राजनीतिक लाभ वाले पद को स्वीकार नहीं करेंगे। ये भगवान की चौथी है घोषणा कि जीवन में वे कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। वे मंत्री या फिर अन्य पद जो राजनीति में होते हैं वे आजीवन उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब होता है ना पद पर तो वह बंध जाता है, और बहुत सारे बंधन और सीमाएं हो जाती हैं उनकी, और वे किसी भी सीमा में बंधन में बंध नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्य उनका विराट है, लक्ष्य भगवान का वैश्विक है। इसलिए वे स्वयं अपने जीवन में राजनीतिक लाभ का कोई भी पद नहीं स्वीकार करेंगे। श्री भगवान की जो पांचवी घोषणा है व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन से संबंधित, वे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे, अपने विचारों को देश में, दुनिया में फैलाएंगे, राजनीति को एक सुदिशा देंगे, और समस्त जो विकृतियां हैं राजनीति में सबको ही मिटाने घटाने का सुप्रयास करते रहेंगे। मित्रों, बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं जो यह घोषणा कर रहे हैं कि श्री भगवान 2023 में होंगे प्रकट, और संभावना हमें भी ऐसी ही लगती है। हालांकि उन्होंने अभी हमसे डेट नहीं बताया कुछ ऐसा, लेकिन हमें भी संभावना दिख रही है कि वे 2023 ईस्वी में स्वयं के अवतार होने की घोषणा करें। मित्रों, ये पांच मुख्य बातें थीं भगवान के व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई, और अगले वीडियो में हम फिर राष्ट्रीय राजनीति में क्या करेंगे, वैश्विक राजनीति में क्या करेंगे, आपको बताते जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।